अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरे तमाम नाज़रीन का, मेरे तमाम व्यूवर्स का एक बार फिर से मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं शकील अंसारी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ईरान वर्स इसराइल मिलिट्री पावर, देखेंगे हम इस वीडियो में कि दोनों में ज़्यादा पावरफुल किसकी मिलिट्री है और दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, ईरान ने ड्रोन हमले के बाद इसराइल को सीधे तौर पर चुनौती दे डाली है। इस हमले की हालांकि हफ्ते भर से आशंका जताई जा रही थी, ईरान ने इसे अपने दूतावास पर हुए हमले का जवाब बताया है। उधर इसराइल इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करने वाला। इसराइल का इतिहास रहा है कि वो किसी भी हमले पर चुप नहीं रहता। इसराइल ने कहा है कि वो खुद पर हुए हमला करने वाले को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगा। अमेरिका और ब्रिटेन भी इसराइल के साथ दिख रहे हैं। दोनों मुल्कों के बीच युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन तनाव के बाद युद्ध जैसी आशंका बढ़ गई है। हाँ, तो दोस्तों, जो हालात इस वक्त बन रहे हैं उससे ये आशंका है कि ईरान और इसराइल के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। अगर ईरान और इसराइल के बीच जंग शुरू हो गई तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। सैन्य शक्ति, रक्षा बजट, सैनिकों की संख्या, हवा से ज़मीन और समुद्र में कौन कितना ताकतवर है, इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, तो दोस्तों, द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा बजट के मामले में ईरान इसराइल से पीछे है, लेकिन सैनिकों की संख्या के मामले में ईरान इसराइल से काफ़ी आगे है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का रक्षा बजट 24.2 अरब डॉलर है, जबकि ईरान का रक्षा बजट 9.9 अरब डॉलर है। वायु शक्ति की बात करें तो इसराइल के पास 612 विमान है और ईरान के पास 551 विमान है। हालांकि टैंकों के मामले में ईरान के पास इसराइल से लगभग दोगुनी ताकत है। इसराइल के पास 2200 टैंक है और ईरान के पास 4071 टैंक है। हाँ, तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे समुद्र में कौन कितना ताकतवर है। समुद्र की सैन्य शक्ति में भी ईरान इसराइल से आगे है। इसराइल के पास 67 युद्ध पोत हैं, जबकि ईरान के पास 101 युद्ध पोतों का बेड़ा है। इसके अलावा इसराइल के पास 43,000 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, जबकि ईरान के पास 65,000 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। सैनिकों की संख्या के मामले में भी ईरान इसराइल पर भारी है। इसराइल के पास 1.73 लाख सैनिक है, जबकि ईरान के पास 5.75 लाख एक्टिव सैनिक है। इसके अलावा इसराइल के पास 4.65 लाख रिजर्व सैनिक है, जबकि ईरान के पास 3.50 लाख रिजर्व सैनिक है। हाँ, तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक दूसरी रिपोर्ट भी बताता हूँ जो कि आज तक की है। उसमें क्या बताया है, दुनिया के 145 देशों में ताकतवर मिलिट्री के मामले में ईरान जो है वो 14वें नंबर पर है, जबकि इसराइल जो है वो 17वें स्थान पर है। ईरान की कुल आबादी 8.75 करोड़ से ज़्यादा है, इसराइल की मात्र 90 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है। ईरान के पास मिलिट्री सर्विस में काम करने के लायक फिट लोगों की संख्या 4.11 करोड़ है, जबकि इसराइल के पास मात्र 31.56 लाख है। ईरान के पास कुल सैनिकों की संख्या 11.80 लाख है, जबकि इसराइल के पास 6.70 लाख है। ईरान के पास एक्टिव सैनिक 6.10 लाख है, इसराइल के पास 1.70 लाख है। ईरान के पास रिजर्व सैन्य बल जो है वो 3.50 लाख है और इसराइल के पास 4.65 लाख है। इस मामले में इसराइल ईरान से थोड़ा आगे है, लेकिन ईरान के पास सैनिक ज़्यादा हैं। हाँ, तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो को लेकर के आपके क्या राय है, आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी जो है वो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ कि ईरान के पास कौन कौन से पावरफुल मिसाइल है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द उस पर मैं काम कर रहा हूँ, और जैसे ही वो कम्प्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। तो आप लोगों को अगर इसी तरह के वीडियो चाहिए तो मेरा चैनल शकील अंसारी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।